आगे भैया तो साइड हुई। अभी हम लोग खेसारी जी का जन्मदिन मनाने आए हैं वृद्धा आश्रम में, और बहुत लोग बहुत जगह जन्मदिन मनाते हैं, कुछ लोग फाइव स्टार होटलों में जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिखाइए कि खेसारी लाल यादव जी कहाँ जन्मदिन मनाते हैं। यही तो है खेसारी लाल यादव जी का बड़प्पन और खेसारी लाल यादव जी का सामान्यता कि वो अपने परिवार के बीच में नहीं, लेकिन ये सब लोगों को अपना परिवार मानते हैं और चाहेंगे कि दिखाएं। अभी हम लोग वृद्धा आश्रम में है, ओल्ड एज होम में, और खेसारी लाल यादव में यही तो गुण है भाई, पहले भी बताया, और यही गुण है जिस वजह से ये सारे लोग खेसारी लाल यादव जी को प्यार करते हैं। इधर आइए, चाहेंगे कि थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पे सभी लोग हैं। सबसे पहले सामान दिखाइए कि इतना सामान हमेशा दिया जाता है खेसारी लाल यादव जी के द्वारा, हमेशा मदद किया जाता है। और यहाँ पे आज सबसे खास बात है कि खेसारी लाल यादव जी बनारस में है, तो उनका कमी पूरा करने के लिए यहाँ पे खेसारी जी के माता जी, खेसारी जी के पिताजी और खेसारी जी के बड़े भाई यहाँ पे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरा फ्रेम में दिखाइए, ये हमारे बाऊ जी हुए खेसारी जी को, और ये हमारे हृदयालाल यादव जी हुए, और ये हमारे खेसारी जी की माता जी हुई। क्या कहिएगा बाऊ जी, आज खेसारी जी बनारस है लेकिन आप उनका कमी पूरा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल, उनके जन्मदिन सभी बेटा का होता है कि बाप के होता है जो हमारे बेटा का खुशी मिले, तो खुशी देख करके और खुशी समझते हुए अपने घर से भागे भागे हम पटना में इबरा हितना समाज के पीछे खुशी मिलावे आज बनी। हाँ। ये बड़ा बेटा के केक कटाई, माई के कृपा हुई तो सबके मुंह में जाई और सभे नज़र से देखी और सभे वो बेटा के आशीर्वाद दी। अच्छा ये बताइए बाबू जी, लोग तो अपन फाइव स्टारों में जन्मदिन मनाला, लेकिन खेसारी जी के जहाँ तक रहला कि हमेशा जमीनी स्तर पर गरीबे लोग के बीच में रह। अरे किसान का बेटा है तो किसानी छोड़ देगा, किसान नहीं कमाएगा तो बहुत आदमी रोटी और चावल के लिए मर जाएगा। तो पहले तो अगला किया है ना, हम माई के कृपा हुआ है तो फिर भी उनकी खानदान तो खेती गोरू बाल से हम सब से जुड़ा हुआ है और सब समाज से देश से सबसे प्यार है उनका। अच्छा ये बताइए, आप तो वृद्धा आश्रम में आ जाए हैं, ठीक है, आप भी किसी के माई बाबू हैं, आपको बताइए कि आपके बेटा इतना बड़े होने के बाद भी बहुत मान सम्मान बहुत प्यार करते हैं, बाल सम्मान देता है, लेकिन वैसा लोग के लिए क्या करता है, रोज दिन जो है बतियाता है, ऐसी बात नहीं है, बेटा भी सब सही है, बहू भी सब सही है, सबसे लाड़ प्यार हम लोग के जैसे हम लोग कर किए हैं वैसा फल मिल रहा है। अच्छा ये बताइए हृदय भैया, अपने प्यारे भाई के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि आपका भाई तो उनको कहने के लिए शब्द ही नहीं है दुनिया में कि वैसा भाई तो भगवान सबको दे, वो भाई तो है ही नहीं, भगवान के रूप में है वो, जो कि सबको सेवा हर तरह से तत्पर रहते हैं, बनारस में नहीं है वो, सबके दिल में है, दिल में है तो सबको ये आकर के खुशी मना रहा है। ये बताइए कमी पूरा करने आए हैं और आज खेसारी जी के आप बड़े भाई, अपने बड़े भाई हुए, तो जन्मदिन है आपके भाई का, तो क्या कहिएगा अपने प्यारे भाई को जन्मदिन के लिए? तो ये कहेंगे जुग जुग मेरा भाई जी, इससे आगे जाए खुद सदा हमेशा खुश रहे वो। हाँ। जहाँ रहे खुश रहे, बाकी माई से तो उतना ना कहो, बस इतना पूछो खुश बारू नु माई की तरह। हाँ, खुश बानी कौन माई बाप अपने बेटा से बेटी से खुश नहीं रहता, ये कोई पूछने वाली बात है, भगवान देवता सबके करे कि देखने वाले को भी माई छतिर चाह बन जाए, जो जो देख रहा है उनके भी माँ भवानी बना रखे कि उनके दिल में खेसारी के लिए प्यार है। हमारे बेटा खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, सबके बेटा हमरो बा जो हमरो बेटा यही से आगे बढ़ो, तरक्की करो, सबका दिल में रहो, ऐसा ही उनका कमाई में बरकत हो खोजे हर साल आके हमनी के करे। बाकी देखिए खेसारी लाल यादव इसलिए ऊपर बढ़ने चाहिए ना क्योंकि वो पैसा वेस्ट नहीं करते हैं और जो भी होता है अपने तरफ से वो हमारे पूरे गरीब जनता में, गरीब दर्शकों में, चाहे जो लोग असहाय लोग हैं उनका मदद बन के खड़े होते हैं। क्या कहिएगा पवन भैया, आज पूरे आपके स्वजन से पूरा सब चीज कार्य हो रहा है, क्या कहिएगा है? आपके स्वजन से सब पूरा कार्य हो रहा है, क्या कहिएगा? हर साल हम लोग करते हैं और खेसारी जी का बर्थडे हम लोग इसी तरह मनाते हैं। खेसारी जी का बर्थडे कोई भी फाइव स्टार सेवन स्टार होटल में नहीं मनता है, इतना सक्षम है खेसारी जी की बड़े होटल में मना सकते हैं अपना अथी पार्टी बर्थडे का, लेकिन वो पैसा खर्च करते हैं इन बुजुर्गों पर, इन अभी हम लोग अनाथ आश्रम में भी जाएंगे और एक मीडिया सम्मान कार्यक्रम भी हम लोग आसाम में, तो बहुत ऐसा कार्यक्रम हम लोग सार्वजनिक काम करते हैं जिससे लोगों का भलाई हो, खाली अपना भलाई तो रोज आदमी करता है लेकिन कभी कभी लोगों का भी भलाई करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर करें।
और हम यही चाहेंगे कि ऐसे कलाकार को बढ़ावा जरूर देना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।